जनवरी में कड़ाके की पड़ रही ठंड के बीच भले ही मौसम का तापमान गिर रहा हो, लेकिन नेताओं की बयानबाजी सियासी तापमान को बढ़ा दे रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े करते हुए इस चुनावी तैयारी करार देकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि गंगा नदी की सफाई के लिए सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, गंगा तो साफ नहीं हुई, पर इसके लिए आवंटित किया गया हजारों करोड़ का बजट जरूर साफ हो चुका है। मौका था गुरुवार को सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संघर्षों पर आधारित कैलेंडर के विमोचन का, जहां पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने योगी सरकार पर कटाक्ष किए। नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के काम और संघर्ष को याद भी किया। अखिलेश ने कहा कि युवा दिवस पर सभी युवा संकल्प लें कि नफरत की राजनीति खत्म हो। अपनी सरकार का बखान करते हुए कहा कि हमने गोमती नदी साफ की, लेकिन सरकार ने इसे भी बर्बाद कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रदेश में निवेश के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को ये भी बताना चाहिए कि पहले निवेश के लिए जो MOU साइन हुए थे उनमें से कितना निवेश जमीन पर उतरा और कितने लोगों को रोजगार मिला। आगे कहा कि ये इन्वेस्टर समिट केवल चुनाव की तैयारी है, कुछ दिन चमक दमक दिखेगी पर जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। अभी हाल ही में सोशल मीडिया टीम को लेकर हुए हाई वोल्टेज हंगामे के बीच गुरुवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपनी सोशल मीडिया टीम बदल दी है, भाषा के स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, भाजपा के लोगों को अपनी भाषा ठीक करनी चाहिए। निकाय चुनाव पर बोलते हुए कहा कि OBC आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन योगी सरकार के बनाए हुए आयोग पर नहीं। चलते चलते आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में निवेश के लिए 16 देशों में रोड शो किए गए थे, जिसमें 7,12,000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हुआ है। मुख्यमंत्री ने अब जिलों में भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट के आयोजन करने के आदेश जनप्रतिनिधियों को दिए हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।